गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमें हालो अर्थ के बारे में पता चला, जो अर्थ के अंदर दूसरी जगह है, जहाँ का वातावरण बिल्कुल अर्थ के एटमोसफियर जैसा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डेडली मॉन्स्टर रहते हैं, जहाँ पर इंसानों के लिए रहना मुश्किल है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इंसानों को कुछ ही समय मार सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मॉन्स्टर इतने खतरनाक है कि कॉन्ग को भी मारने की शक्ति रखते हैं। आखिर में कौन कौन से वह डेडली मॉन्स्टर है जो हालो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है एरेक्नोक्लॉ, जिसे रॉक प्रिंटर कहते हैं। जब कॉन्ग एक आइलैंड से गुजरता है, तब यह मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है, जिसके स्पाइडर जैसे हाथ होते हैं, फेस बहुत छोटा होता है, जबड़े बाहर की तरफ निकले होते हैं और इसके फिंगर छोटे और नुकीले होते हैं। रॉक प्रिंटर रॉक के अंदर रहने वाले जीव है, जिसकी शरीर एक प्रकार के आर्मर से ढकी होती है। देखने में ये मॉन्स्टर बहुत छोटे लगते हैं, पर इनका साइज इंसान से 3 गुना बड़ा होता है, जो 15 से 20 फीट बड़े होते हैं, जो इंसान की जान पल भर में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आता है, जो इससे पहले कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिख चुका है, जो है साइको वल्चर। यह साइको वल्चर चमगादड़ जैसे दिखने वाले पक्षी है, जिसका विंग स्पैन 3 से 8 फीट होता है। इनका बॉडी हरे रंग का होता है, हेड पर हल्का पीला रंग होता है और लंबी चोंच होती है। इस मॉन्स्टर के छोटे स्पेसीज को लीफ विंग कहते हैं, जिसका विंग स्पैन 3 से 5 फीट होता है। दो लीफ विंग इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक इंसान को उठाकर उड़ सकते हैं और उनका पैर हाथ को काट सकते हैं। ये क्रिएचर्स अक्सर झुंड में शिकार पर टूट पड़ते हैं, जिससे इनसे बचना मुश्किल है। तीसरे नंबर पर वह क्रिएचर आता है जिसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कई इंसानों को मारा, जो है हेलहॉक। हेलहॉक चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर है, जिसका सर कीट जैसा होता है, लाइट ब्राउन की स्किन होती है और इनका बैक आर्मर की तरह होता है, जो हेयर से ढकी होती है। हेलहॉक हालो अर्थ के केव में रहने वाले मॉन्स्टर है, जो एग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने भूख के लिए दूसरे जीव का शिकार करते हैं। हेलहॉक किसी भी इंसान को उठाकर उड़ सकते हैं और उनके बॉडी पार्ट को काट सकते हैं। मूवी में हेलहॉक कई सोल्जर को मार दिया था और कॉन्ग पर भी अटैक कर रहे थे। हेलहॉक 8 से 10 फीट बड़े होते हैं, विंग स्पैन 20 से 25 फीट होती है, जो इनके लिए इंसान को मारना बड़ा आसान है। चौथे नंबर पर वह मॉन्स्टर आता है जो गॉडजिला की प्रजाति की तरह दिखता है, होइटोडॉन, जिसे टाइटेनस डॉग भी कहते हैं। जब कॉन्ग हालो अर्थ के लैंड से गुजरता है, तब यह मॉन्स्टर रॉक क्लिंटर को खाते हुए दिखता है। इस मॉन्स्टर के 4 पैर होते हैं, ब्राउन रंग का स्किन होता है, इसका बॉडी और पूंछ में स्पाइक निकले होते हैं। इसके हेड गॉडजिला के हेड से मिलता जुलता है और रेजर शार्प टीथ होती है। इस मॉन्स्टर के बारे में कहा जाता है कि यह मॉन्स्टर गॉडजिला का स्पेसीज है, जिसके कुछ फीचर गॉडजिला से मिलते जुलते हैं, जैसे बाइनोकुलर विजन, क्रोकोडिलियन लाइक स्किन और टॉर्सल प्लेट्स। देखने में तो ये मॉन्स्टर छोटा लगता है, पर यह एक एडल्ट फोइटोडॉन हो सकता है, जिसका लेंथ 72 फीट तक होता है। पांचवें नंबर पर वह डेडली मॉन्स्टर आता है जो लगभग कॉन्ग को मारने ही वाला था, वारबैट। वारबैट जिसे नजुकी कहते हैं, वारबैट कोबरा स्नैक जैसे दिखने वाले टाइटन है, जिसका लाल रंग का पंख होता है। इनका बॉडी ग्रे रंग का होता है, इनका जबड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। ये मॉन्स्टर अपने मुंह से क्रीपी साउंड निकालकर दूसरे वारबैट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मॉन्स्टर अपने दुश्मन के बॉडी को जकड़कर अपने पंख से दम घोटने की कोशिश करते हैं। इस मॉन्स्टर की हाइट 393 फीट होती है और लेंथ 800 से 900 फीट तक होता है, जो देखा जाए तो कॉन्ग के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। अगला क्रिएचर आता है जो हालो अर्थ के वाटर में एग्जिस्ट करता है, जेनिटा स्वाम्पफिश, या इसे जेनिटा सब टाइटन कहते हैं। ये मॉन्स्टर वाटर में रहने वाला खतरनाक जीव है, जो गॉडजिला तक को घायल कर चुका है। देखने में तो ये मॉन्स्टर छोटे लगते हैं, पर ये ग्रुप में किसी भी मॉन्स्टर की जान ले सकते हैं। इस क्रिएचर के जबड़े पिराना फिश की तरह बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिसे अपने दुश्मन के बॉडी को फाड़ सकते हैं। ये क्रिएचर मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे जीवों पर हमला करते हैं, जिस क्रिएचर को कॉमिक में 10 से 15 फीट दिखाया गया है।
लास्ट में हालो अर्थ में रहने वाला वह क्रिएचर आता है जिसने जमीन को अपना घर बना लिया है, सिमीडा। सिमीडा का बॉडी ग्रे स्किन का होता है और इसके आगे और पीछे की तरफ चलने के लिए 6 अंग होता है। यह रेप्टेलियन क्रिएचर जमीन के अंदर रहता है जहाँ कम राग पाए जाते हैं। यह क्रिएचर अपने माउत को जमीन की सतह पर रखा होता है जिससे यह उसके ऊपर आने वाले जीव को तुरंत निकल जाता है। इसके पैर हुक की तरह होता है जिससे वह जमीन को पकड़ कर रखता है, जिसे इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता और वातावरण के हिसाब से ढाल का शिकार करता है। सिमीडा 78 फीट तक होते हैं जो किसी भी इंसान को आराम से निगल सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो हालो अर्थ के डेडली मॉन्स्टर। अगर आपको इनके अलावा और कोई सभी हालो अर्थ का मॉन्स्टर का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।